हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि हम डेली करंट अफेयर की सीरीज लेके आ रहे हैं, लेकिन आज ये सीरीज स्पेशल है। इसके टोटल दो ही पार्ट आने हैं, जिसमें हम 2018 में कवर हुए एशियाई खेलों के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब जो ये एशियाई खेल 2018 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हर पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनका अभी रेलवे ग्रुप डी होना है, जिनका रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम होना है या हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, सभी पेपर में करंट अफेयर आने हैं और सभी पेपर के लिए ये एशियाई खेल 2018 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड हैं, तो हरियाणा ग्रुप डी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में दो जगहों पे हुआ है, जकार्ता में और प्लोमबैंग में। तो आपने यहाँ से ये याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी भी क्या है? जकार्ता है। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? रुपी है। और इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रम के एशियाई खेलों का आयोजन हुआ? मतलब कौन सा एडिशन था इस बार? तो इस बार एशियाई खेलों का 18वां एडिशन हुआ है। तो यहाँ से तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि 2018 में एशियाई खेलों का 18वां एडिशन हुआ है, और कॉमनवेल्थ गेम का 21वां एडिशन हुआ है, और फीफा का भी 18वां एडिशन हुआ है। तो आपने यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2018 का मोटो क्या था? एशियाई खेल 2018 का मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। यहाँ से बस आपको इतनी डिटेल याद रखनी है, हर चीज़ का कोई ना कोई मोटो ज़रूर होता है। तो एशियाई खेल 2018 का मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें टोटल देशों ने भाग लिया था 45। कहाँ हुए थे एशियाई खेल? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और प्लोमबैंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? किसी भी चीज़ को या किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले उसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, उसमें हमारे भारत की तरफ से फ्लैग बैरियर कौन थे? तो भारत की तरफ से थे फ्लैग बैरियर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जवेलियन थ्रो मतलब भाला फेंक से हैं, जिन्होंने एशियाई गेमों में गोल्ड भी जीता है। और ये किस स्टेट से हैं, आपके लिए नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हरियाणा से है। तो हरियाणा ग्रुप डी के लिए ये एशियाई गेम ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? नीरज चोपड़ा का नाम दे दिया जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों में भारतीय ध्वजवाहक की ओपनिंग सेरेमनी के रूप में योगदान दिया था, तो वो किस स्टेट से थे? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। अब अगर हरियाणा का नाम आया यहाँ पे, तो आपको कुछ क्वेश्चन रिवाइज करने चाहिए जो मैंने अपने पीछे की वीडियो में बताए हैं आपको। हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा का एक लोक नृत्य भी याद रखना है आपने, सुहांग। अगर आपको हरियाणा की बाकी डिटेल करनी है तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप जाके वो वीडियो ज़रूर सुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 की क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? जैसे ओपनिंग सेरेमनी होती है वैसे क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है, उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थी? तो वो थी रानी रामपाल। रानी रामपाल भी कौन से स्टेट से हैं? तो वो हरियाणा से हैं। अब हरियाणा में कहाँ से हैं यह मुझे कमेंट करके बताइए। रानी रामपाल कौन है? ये इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है, यानी कप्तान है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में कुल कितनी स्पर्धाएं आयोजित की गई? तो टोटल थी 465, जिसमें टोटल 40 खेल थे। अब स्पर्धाएं का मतलब क्या होता है? एक ही खेल की बहुत सारी स्पर्धाएं हो सकती है, जैसे कि दौड़ ले लेते हैं। दौड़ एक खेल है जो 40 खेलों में शामिल किया गया है। इसमें अलग अलग कैटेगरी है, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 500 मीटर की दौड़। तो इस प्रकार से टोटल 465 कॉम्पिटिशन करवाए गए थे। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह कब हुआ था?
मतलब एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 18 अगस्त 2018 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उसको कमेंट के अंदर आप आंसर ज़रूर देना, ताकि आपको लिखने से चीज़ें याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 का समापन समारोह कब हुआ? स्टार्टिंग हुई थी 18 अगस्त को और एंडिंग हुई है इसकी 2 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2018 का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया था? तो वो थे जोको विडोडो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जोको विडोडो कौन थे। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और प्लोम बैंग में एशियाई गेम 2018 का 18वां एडिशन हुआ था, जो 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चला था। भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में थे नीरज चोपड़ा फ्लैग बैरियर के रूप में, जो हरियाणा से थे, और क्लोजिंग सेरेमनी में थी रानी रामपाल, जो हरियाणा से थी, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कप्तान। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2018 के आधिकारिक समापन किसने किया था? जैसे उद्घाटन है वैसे समापन किसने किया था? अहमद अल फहाद अल शाबा ने इसका समापन किया था। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन थे। कोई तो ये पर्सनैलिटी होंगे जिनको एशियाई गेम 2018 में समापन करने के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 के शुभांकर क्या थे? शुभांकर थे इसके भिन्न भिन्न काका और अथियों। किसी हर चीज़ का कुछ ना कुछ शुभांकर ज़रूर होता है, तो इस खेल के शुभांकर थे भिन्न भिन्न काका और अथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते? मतलब कौन टॉप पे रहा था, कौन एशियाई गेमों का विनर रहा था? तो वो देश था चीन। चीन ने टोटल 289 मेडल जीते हैं, जिसमें से 132 गोल्ड, 92 सिल्वर और 65 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो आपने यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की करेंसी, दो करेंसी है यहाँ पे, युआन या रेनमिनबी। और चीन के साथ भारत एक एक्सरसाइज भी करता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में भारत किस स्थान पर रहा था? तो भारत का रैंक रहा था 8वां। भारत ने टोटल 69 मेडल जीते हैं, जिसमें से 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 मेडल थे ब्रॉन्ज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पहले पार्ट का, एशियाई खेल 2018 में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। मैंने इसमें टोटल क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि एक साथ अगर आप इतने क्वेश्चन करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए पहले पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आप इस पार्ट को एक से दो बार सुन लो और आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।